चार वर्ष का कार्यकाल माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का पूर्ण हुआ है, जिसका रिपोर्ट कार्ड आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। दो वर्ष कोरोना काल के प्रभाव के बाद, जैसे कहावत है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, जैसे ही विधायक के शपथ लिए कोरोना काल से पूरा देश ठप हो गया, हमारा जिला, हमारा विधानसभा भी ठप पड़ा। डेढ़ साल के कोरोना काल के प्रभाव के बावजूद भी जो हमारे पास दो साल या ढाई साल समय मिला, उस ढाई साल में गढ़वा विधानसभा में अनेकों ऐसी महत्वाकांक्षी योजना थी, ऐसी महत्वपूर्ण योजना थी जिसका लंबे वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे। आज गढ़वा रंका विधानसभा में ऐतिहासिक विकास के कार्य हुए हैं और जो मुद्दा बने रहते थे चुनाव में, उन मुद्दा का समापन इस चार वर्ष के कार्यकाल में हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कि जो विकास, जो बाईपास मुद्दा हुआ करता था, हमारे व्यवसायी बंधु भी इसकी मांग करते थे, बड़े बड़े वाहन शहर से गुजरते थे, धूल से लोग परेशान रहते थे, हादसा हो जाता था, आज बाईपास सड़क लगभग बनकर तैयार है और जनवरी के अंत तक उस पर आवागमन चालू होने जा रहा है। यह सबसे बड़ा मुद्दा था जो आज गढ़वा के लिए मुद्दा विहीन हो चुका है। बिजली की समस्या होती थी, लगातार आंदोलन हुआ करता था, धिवरिया युग है, गढ़वा धिवरिया युग का दंश झेल रहा है। लेकिन इसी कोरोना काल में माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सहयोग से, जिस तरह से यहां पे ग्रिड बनाकर और बिजली आपूर्ति प्रारंभ कराई गई, आज गढ़वा जिले के सभी क्षेत्रों में और खासकर गढ़वा शहर में 20 से 22 घंटे बिजली रह रही है। आज लोगों के मन से यह निकल गया कि हमारे यहां गढ़वा में कभी इस तरह से बिजली कटती थी, लोगों को जनरेटर और इन्वर्टर के भरोसे रहना पड़ता था। आज बच्चों को भी शाम में जो बिजली कट जाती थी, पढ़ाई में असुविधा होती थी, लोग इंतजार करते थे कि बिजली आएगी तो हम पढ़ेंगे, रात को 10 बजे आती थी, 6 बजे से कटती थी तो 10 बज जाता था, 9 बज जाता था। आज इस ढिवरिया युग से गढ़वा को अगर कोई निकालने का काम किया है तो है विकास पुरुष मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी। जलापूर्ति हर गर्मी में मुद्दा बना करता था, पानी सप्लाई का, लोगों के चापाकल सूख जाते थे। आज 2013 से लंबित पड़ी शहरी जलापूर्ति योजना धरातल पर उतर चुका है और आधी शहर को जलापूर्ति प्राप्त हो रही है, उनको जो है घर पे नल से जल प्राप्त हो रहा है, और जो आधा शहर बचा हुआ है, बीच में दानरो नदी आने के कारण तंडवा का सप्लाई, और यहाँ बिजली ऑफिस में जो पानी टंकी का निर्माण चल रहा था उसके कारण चिनिया रोड का इलाका बचा रह गया है। ये दोनों जगह कुछ महीनों के अंदर जलापूर्ति प्रारंभ हो जाएगी। हर घर नल जल योजना के माध्यम से विधानसभा सहित पूरे जिले के 40% घरों तक नल से पानी मिलना प्रारंभ हो गया है। और यह कहते हुए गर्व हो रहा है एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि एक विधायक के रूप में आजादी के बाद पहली बार एक ऐसे व्यक्ति माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, जिन्होंने ग्रामीण सड़क 1000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़क जो है यहां गढ़वा में या तो निर्माण हो चुका है या उस पर काम चल रहा है, जिसमें से मुख्य महत्वाकांक्षी योजना थी चिनिया खुरी गायघाट पुल का निर्माण, जो सीधे छत्तीसगढ़ से जोड़ती है और छत्तीसगढ़ से झारखंड की दूरी आज कम हो गई। वहां पुल का भी निर्माण हुआ, वहां सड़क का भी निर्माण हो गया। गढ़वा से चिनिया रोड जो सिंगल था, लगातार दुर्घटनाएं होती थी, लोगों को समय लगता था, आज वो डबल लेन पीडब्ल्यूडी से बनने जा रहा है। रंका रमकंडा रोड डबल लेन बनने जा रहा है, डोल से रंका भाया चिनिया डबल लेन सड़क बनने जा रहा है, महुलिया से पेशका होते हुए नामधारी महाविद्यालय तक डबल लेन सड़क बनने जा रहा है, लगमा से हासनदाग होते हुए तसरार तक जो गांव को जोड़ता है, गांव की भूमि का उपयोगिता जिसने बढ़ा दिया, वो डबल लेन बनने जा रहा है। पूर्व मोड़ से गुआवल होते हुए डाल्टनगंज तक पीडब्ल्यूडी के पथ का डबल लेन बनने जा रहा है। जब ये सड़कें बनकर तैयार हो जाएगी तो हमको कहते हुए खुशी हो रहा है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको पंख लग जाएंगे, लोगों को शहर आने में, शहर में अपना उत्पाद लाकर बेचने में उनका ईंधन की खपत भी कम होगा, गाड़ी भी कम खराब होगी और सड़क के अगल बगल के जो जमीन थे उनके भाव भी बढ़ेंगे। तो ये जो व्यवस्था माननीय मंत्री जी के द्वारा दी गई है ये काफी सराहनीय है। निजी कोष से घंटा घर बनाया गया और घंटा घर बनाकर आज शहर की भव्यता बढ़ाई गई। मझियाव मोड़ का सौंदर्यीकरण किया गया, उसको झंडा चौक के रूप में बदला गया। यहाँ पे छठ
बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दो दो छठ घाट पर सामुदायिक भवन सह निगरानी मर्च जो है सो निजी कोष से बनाए गए। यहाँ का दबगर मोहल्ला कहा जाता है, जहाँ पे पिछड़े और गरीब परिवार के लोग रहते हैं, उनके बहन बेटियों को शादी के लिए, उनको किसी फंक्शन करने के लिए बड़े बड़े होटल और बैंकेट हॉल बुक करने पड़ते थे। आज वहाँ सामुदायिक भवन बनाकर उनको उपहार स्वरूप दिया गया है। ये बिना एकदम कम लागत से, साफ सफाई की लागत से 500 रुपए 700 रुपए की लागत से उनको सामुदायिक भवन उपलब्ध होंगे। इसी तरह से कई ऐसे मंदिर मस्जिद बने जिसमें सहयोग किया गया है। अभी लगमा में सूर्य मंदिर बन रहा है, उसमें भी सहयोग किया गया है। इस तरह से बेटी बहनों के शादी के लिए माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी की ओर से लाखों घर में श्राद्ध क्रम और बहन बेटियों के शादी में सहयोग किया जाता रहा है। तो ये जो विकास की योजनाओं, हम आग्रह करेंगे हमारे अपने सहयोगी पार्टी के पदाधिकारियों से कि एक बार उठा के हाथ में दिखा दें। ये जो आंकड़ा है, ये हम लोग सभी 5-6 लोग हैं, ये एक एक प्रखंड का आंकड़ा है। गढ़वा प्रखंड, डंडा प्रखंड, मेराल प्रखंड, चिनिया, रंका और रमकंडा जो विकास की योजनाएं, चाहे वो सरना, मसना, धुमकुड़िया, कब्रिस्तान, चार दीवारी हो, तालाब हो, सड़क हो, या फिर ये सभी का अगर योजनाओं का आंकड़ा पेश कर दिया जाए, तो मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह रहा हूं कि जो आज आरोप पत्र दायर कर रहे हैं, 5 साल कोई कप प्लेट के सिंबल पर, कोई कंघी के सिंबल पर, कोई लालटेन के सिंगल पर यहाँ विधायक रहा, और कई लोग हैं जो 10 साल से लगातार विधायक है भाजपा के सिंबल पर, रामचंद्र चंद्रवंशी जी, गढ़वा से पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, बनातपुर से भानु प्रताप शाही जी, 10 वर्ष का कार्यकाल निकाल लें और हमारे गढ़वा विधानसभा में हुए विकास कार्यों का दहाई हिस्सा का कार्य भी अगर वो गिना देंगे, तो जो कहेंगे मानने के लिए तैयार है, हम आमंत्रित करते हैं। मीडिया के माध्यम से हम निमंत्रण देते हैं कि कहीं भी खुले मन से एक बार विकास योजनाओं पर यहाँ के भाजपा के विधायक चर्चा कर लें, और नहीं तो अपनी परेशानी को बताएं कि किस तरह से जनता उनका अब कुर्ता खींचना शुरू कर दी है, वहां के कार्यकर्ता उनको बोलना शुरू कर दिए हैं कि काम कैसे किया जाता है विधायक जी, तो माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से सीखिए, ये नहीं कि सिर्फ नकारात्मक बातों को थोपिए। तो ये जो आज विकास योजना का काम गढ़वा में हुआ है, इसी को लेकर हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जिस स्कूल से वो पढ़े हैं, डुमरिया का गुआवल हाई स्कूल, उसको जमा दो का दर्जा, बालिका उच्च विद्यालय जो शहर के बीचों बीच है, जहां रेहड़ी रेहड़ी वाले, रिक्शे वाले की बच्चियां पढ़ती हैं, उनको आज रेनोवेट किया गया, एक्सीलेंस स्कूल के रूप में बनाया गया, जमा दो का दर्जा दिलाया गया। रामा साहू स्कूल को जमा दो का दर्जा दिलाया गया और एक्सीलेंस स्कूल के रूप में विकसित किया गया। मुख्यमंत्री एक्सीलेंस स्कूल के रूप में आज वहां इस वर्ष नामांकन भी हुआ और वहां कक्षाएं भी चल रही हैं। रमकंडा का उदयपुर हाई स्कूल को भी जमा दो का दर्जा दिलाया गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार गढ़वा रंका विधानसभा में महिला महाविद्यालय की स्थापना यहीं सुखबाना में हुई है, जिसका भवन लगभग बनकर तैयार हो गया है और मुझे लगता है कि अगले सत्र से उसमें पढ़ाई शुरू हो जाएगी। रंका में, रंका के, रंकगंडा के सभी लोगों को आना पड़ता था, मात्र एक यहाँ जो है सो नामधारी महाविद्यालय सरकारी था। आज रंका में भी, वहां पे भी स्नातक स्तरीय महाविद्यालय लगभग बन के तैयार होने जा रहा है। आज कई छात्रावास हैं जिनकी मरम्मती कराई जा रही है। यहाँ महिला छात्रावास था गर्ल हाई स्कूल के बगल में, उसकी मरम्मती कराई जा रही है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के द्वारा जो है ऐतिहासिक कार्य किए गए। आप पर्यटन की ओर चले जाइए तो पर्यटन में बाबा खोनारनाथ मंदिर का पहुंच पथ, उनका तोरण द्वार निजी खर्च से, चार दीवारी निर्माण और उसमें 12 करोड़ की लागत से उसका जीर्णोद्धार किया गया, उसका सौंदर्यकरण किया जा रहा है। गुरु सिंधु, जहां जाने के लिए सड़क नहीं हुआ करता था, नए वर्ष में लोग पिकनिक मनाने जाते थे लेकिन सड़क खराब होने की वजह से लोग जाना नहीं चाहते थे, आज वो सड़क चकाचक बनकर तैयार है। और इस वर्ष जाके हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप गुरु सिंधु जाइए और कितना अच्छा वहां सड़क बन गया और कितना अभी कितनी बड़ी संख्या में सैलानियों की वहां पे भीड़ उमड़ेगी। तो इस तरह का जो योजना धरातल पर उतारा गया, ये विकास पुरुष के दूरदर्शी सोच, उनके इच्छा शक्ति का ही प्रतीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब पूरे झारखंड में पहली बार गढ़वा में कोरोना के कार्यकाल में, कोरोना महामारी में ऑक्सीजन प्लांट का स्थापन कराया गया और अभी 50 बेड का अस्पताल खोलने जा रहा है, जो एक रिसर्च सेंटर के रूप में और शैक्षणिक संस्था के रूप में भी काम करेगा। तो ये गढ़वा के जनता का ही देन है, उन्होंने एक अवसर दिया और अवसर देकर दायित्व और जिम्मेदारी सौंपी। और हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी का यही कहना है
कि हम अगले 5 साल क्या होगा हम नहीं जानते, ये 5 साल में जो जनता ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है उसका हम भरपूर निर्वहन करेंगे और निर्वहन करने के बाद रिपोर्ट कार्ड उनके घर घर तक पहुंचाने का कार्यकर्ता काम करेंगे। रिपोर्ट कार्ड पढ़कर जनता निर्णय लेगी कि सच क्या है और झूठ क्या है, और जो आरोप पत्र दाखिल कर रहे हैं, जो झूठ बोलने में माहिर हैं, अफवाह फैलाने में माहिर हैं, षड्यंत्र रचने में माहिर हैं, और जो मुद्दों से दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं उनसे पूछना चाहते हैं, उनसे हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप जब 10 साल विधायक थे, या अभी जो भनातपुर में 15वां साल विधायक हैं, अभी जो विश्रामपुर में पिछले 25-20 साल से विधायक हैं, लगातार 10 साल से हैं, आप अपने क्षेत्र में क्या काम किए हैं, आप उसको जनता के बीच या खुले मन से उस पर कभी चर्चा कर लीजिए, और उसके बाद आप कहीं के न रह जाइएगा। ये हम दावा के साथ कह सकते हैं। ये विधायक कोटा की राशि को पहले गबन का स्रोत मानते थे, ये मानते थे कि विधायक कोटा का पैसा बपौती है, ये हमारे और हमारे कार्यकर्ता के जेब भरने के लिए। आज 4 वर्ष में जो विधायक कोटा की राशि आई उसको 73 पंचायत में कहीं चबूतरा बनाने के लिए, कहीं जो दाह संस्कार के लिए सेट बनाने के लिए, कहीं छठ घाट वगैरह बनाने के लिए, जहां जो जिस तरह का जरूरत पड़ा, कहीं पीसीसी सड़क, कहीं नाली, विधायक कोटा की राशि का उपयोग किया गया। लेकिन पहले क्या होता था, चेक स्लिप के माध्यम से पैसा कार्यकर्ता और नेताजी के जेब में चला जाता था। तो आज हम लोग 4 वर्ष कंप्लीट होने पर बहुत सारी महत्वपूर्ण योजना है जिसके बारे में जनता के बीच हम लोग इसको प्रस्तुत किए हैं, और हम अपने काम पर विश्वास रखते हैं। माननीय मंत्री जी अपने जो दायित्व तो मिला है उसको निर्वहन करने में लगे हुए हैं। कौन क्या बोलता है, क्या आरोप लगाता है और किस तरह का टीका टिप्पणी करता है, उस पर हमारा ध्यान है, हमारी पार्टी का ध्यान नहीं है। हमें अभी सेवा का अभी 1 साल और बचा हुआ है, इस 1 साल में भी गढ़वा को रॉकेट के स्पीड से विकास कार्यों में आगे ले जाने का हमारा लक्ष्य है, और हम लोग यही प्रयास करेंगे कि जो बचे हुए 1 साल है उसमें ज्यादा से ज्यादा जनता के लिए कैसे हम लोग सहूलियत से उपलब्ध हों, जनता के कैसे सेवा करेंगे, जनता की सुविधाओं में कैसे बढ़ोतरी करेंगे, इस पर हम लोग विचार करेंगे। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथा शीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।